गाइस कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह ही अचानक से कांड हो गया हमारे साथ। रन्नू सच्ची बता यार, तू तू ही तो बताएगी अब। रन्नू की एक आईडी थी इंस्टाग्राम पे जो आप सभी ने देखा है और उसको फॉलो भी किया है, तो बहुत प्यार दिया उसको। पर उस आईडी के नाम से और रन्नू की फोटो चुरा के कोई और बंदा दूसरा आईडी बना के फेक आईडी से अपने फॉलोअर गेन कर रहा है। ये देखो, ये है वो आईडी। तो गाइस पता नहीं ऐसे कैसे कर दिया कि आईडी से फोटो चुराया है, स्क्रीनशॉट लेके और नाम भी माय क्यूट विंडो कुछ चेंज करके बना दिया। देखो ये वो आईडी है, मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे दूंगा। देखो दिख रहा होगा आपको साइड में, इसी टाइप का पता नहीं कौन आईडी बनाया और अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है रन्नू के फोटो से। और देखो यार पता नहीं कैसे हो गया। अब इसका क्या कर सकते हैं अपन, एक बार आप भी कमेंट में करके बता देना यार। आज सुबह सुबह स्कैम हो गया हमारे साथ। प्लीज गाइस आप उसको रिपोर्ट करना अगर कोई इंस्टाग्राम में है तो प्लीज। हाँ तो मैं उसकी आईडी का नाम भी दे दूंगा, my_cute_ फिर विंडो। सेम रन्नू की आईडी है पर रन्नू की आईडी में ना सिर्फ एक ही डैश है और उसने डबल डैश जोड़ा है। यार गाइस हमने उसको मैसेज तो किया है पर पता नहीं मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिखा रहा और लास्ट ऑनलाइन उसका कल का दिखा रहा है। आज सुबह से उसने ऑनलाइन ही नहीं आया, लगता साला सो के पड़ा होगा। पर पता नहीं क्यों मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आ रहा ना कॉल आ रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं उसके मैसेज का रिप्लाई पाते हैं और उससे बात करने कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको देंगे बत्ती। उसने रन्नू की फोटो भी चोरी कर ली और रन्नू की फोटो पोस्ट में मतलब प्रोफाइल फोटो में डाल दी रन्नू की फोटो और माय क्यूट विंडो डबल डैश करके आईडी बना ली। और पता नहीं कैसे फिर फेक आईडी बना के अपना फॉलोअर्स गेन कर रहा है रन्नू के नाम से। प्लीज जाके ना उसे रिपोर्ट करो, रिपोर्ट कर दो उसकी आईडी का, मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ दे दूंगा। तो गाइस अभी पापा और मैं जा रहे हैं पुलिस स्टेशन जा रहे हैं हम लोग कंप्लेन करने रन्नू के लिए। देखो बेचारी का मुंह लटक गया है, इतनी मेहनत करी है वो अपने चैनल के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, और सारा उसने चीटिंग कर लिया। पर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जा रहे हैं रन्नू के लिए, रन्नू के तरफ से कंप्लेन करने। तो फिलहाल अभी तो हम लोग आए हैं मोहन नगर थाना, यहाँ पे कंप्लेन देखते हैं क्या होता है कार्रवाई, उसके बाद आप सभी को बताते हैं। ये है मोहन नगर थाना यहाँ का। तो गाइस यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये सब चीज़ साइबर क्राइम नोट करता है, तो हमें जाना पड़ेगा साइबर क्राइम ऑफिस जो कि है भिलाई में सेक्टर में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक नोट्स बना के उन्हें भेजना पड़ेगा, लेटर टाइप का लिख के कि क्या क्या हुआ है और किस लिए हमें कार्यवाही करना है। तो गाइस अभी जो है ना हम लोग पूछ लिए थे, सब क्लियर हो गया कि साइबर क्राइम में जाना पड़ेगा और वहाँ पे पहले हमें लेटर देना पड़ेगा। तो मैं आ गया था घर और लेटर लिखा, ये देखो साइबर कंप्लेन लेटर यहाँ पे, ये पूरा रेडी हो गया अपना। अब इसमें बस हमको भेजना है साइबर क्राइम में और उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या एक्शन होता है और क्या एक्शन लेते हैं साइबर क्राइम वाले, तो आपको भी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा आगे तक के और लास्ट तक के जरूर देखना। मम्मी देखो पोछा मार रही है। दोस्तों तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं सुपेला थोड़ा घूम घाम करने, और बहुत दिनों से इतने दिनों से हम लोग जो घर में बैठे थे वो मस्ती आज हम करने वाले हैं और आज हम जाएंगे बाहर। तो बेबी का भी इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, रन्नू का भी, और रन्नू का तो बेचारे की इंस्टाग्राम किसी ने चोरी कर लिया उसकी फोटो। उसको लगता है कि इसकी फोटो देख के उसका फॉलोअर्स बढ़ जाएगा, हैक नहीं किया चोरी कर लिया ना इसकी फोटो। लॉल इसकी फोटो से किसका फॉलोअर्स बढ़ेगा, इसका खुद का ही बढ़ता, बल्कि इसका रील से बन जाता है। तो दोनों का इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। तो गाइस भाई तुम्हारा रेडी हो गया एकदम बढ़िया से, हमने भी बहुत एक से एक शॉर्ट प्लीज बनाए हैं। बहुत सारे लाइक देना प्लीज बेबी की वीडियो और हमारे चैनल को बहुत सारा लाइक देना। गाइस हम लोग जैसे ही सुपेला के अंदर एंट्री किए वैसे ही यहाँ पे लाइट गोल हो गया पता नहीं कैसे, और पूरे दुकानों में लाइट ही नहीं है। हमको जहाँ जाना था वहाँ पे भी लाइट नहीं है, तो हम लोग सोचे थोड़ा घूम लिया जाए, गाड़ी में गाना वाना बजा के बैठे रहे। यार गाइस अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए और सभी ने ऑर्डर कर लिया है, आने के बाद मैं दिखाता हूँ सबने क्या क्या ऑर्डर किया है। गाइस ये देखो आ चुका है, पापा ने मंगाया चाउमीन, बेबी ने मंगाया डोसा, मैंने मंगाया चाउमीन और रन्नू ने मंगाया डोसा उसके जैसे शक्ल का। लॉल ये देखो मेरा चाउमीन, और मम्मी ने कुछ ऐसा मंगाया है जो मम्मी खुद बनाती है लेकिन कभी खाई नहीं, अपने हाथों से हमेशा खाई है,
पर दूसरों के हाथों से नहीं खाई है ना मम्मी। वो भी आएगा तब दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ मम्मी का आएगा तब मैं दिखाता हूँ, पहले मैं चाउमीन खाता हूँ यार, मजा आ रहा है एकदम। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी मम्मी ने मंगा लिया अपने लिए पराठा। मम्मी अपना घर में बहुत पराठा बनाई है हमारे लिए, पर दूसरे के हाथ का खाने मिल रहा है मम्मी को आज नसीब हुआ है। मस्त लग रहा है मम्मी को आज। मम्मी कैसा लग रहा है? अपने हाथ का खाका से बोर हो गई है मम्मी अपने हाथ का। अब ये देखो हम लोग खा रहे, तो चलो फिनिश करते इसको। जैसन ने अभी आपने रन बेबी का मस्ती देखा। हम लोग पहुंच चुके हैं घर और अपना स्वीट होम, थक गए बहुत, कार में घूमते घूमते मजा आ गया। आज हम लोग बस घूमे घूमे घूमे, दो दिन जो घर में बैठे थे ना उसका पूरा कसर निकाल दिया, मजा आ गया एकदम ज्यादा मजा आ गया।